दोस्तों, मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ आपके साथ। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छी शाम हो रही है, सनसेट भी बहुत बढ़िया हो रहा है। सनसेट मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब कुछ भी सही मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि ये इस वक्त, मतलब जो ये मौसम हो रहा है, थोड़ी बहुत हवा चल चुकी है ठंडी सी। दूसरी चीज़ ये भी है कि हर आदमी को कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसा चाहिए जिससे उसको खुशी मिले, अच्छा लगे। और जैसे पहले आपको पता ही है कि मैंने पहले व्लॉग में भी अपने बोला था कि हर आदमी को अपना, हर बंदे को वो काम करना चाहिए जिससे उसको खुशी मिले। उस वक्त क्या था कि मैं एक प्रॉब्लम की वजह से बंदा पूरा अपसेट सा हो जाता है। ये चीज़ ज़िंदगी में चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हर बंदा अपने अपने लेवल पे है, जो वो कर सकता है वो उसकी मेहनत है, और जो आप कर सकते हो उसमें मेहनत दिखाओ। करना चाहते हो वो, और जो आप अचीव करना चाहते उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। बोल है कि आपके साथ जो मिलने जुलने वाले हैं वो आपका कितना साथ दे रहे हैं। को हर जगह से नेगेटिविटी मिल रही है जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, जो को हर जगह से नेगेटिविटी मिल रही है जो चीज़ आप करना चाह रहे हो जो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया था, तो इस व्लॉग में मैंने जो कहा था आपसे वो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आप करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, सबसे पहली बात लोगों के साथ रहना छोड़ दो जो हमेशा वो नेगेटिविटी फील करवाते हैं। मोटिवेशन डाउन होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका ही डाउन होता है। ये चीज़ें आप जो करना चाहते हो उसमें अगर सामने वाला नुक्स निकाले, आपको कहे कि नहीं ये सही नहीं है, ये क्या करेगा तू करके, तो वो चीज़ें गलत हैं। आप हमेशा अपने दिल की सुनो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि देखो टेंशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी का नाम ही टेंशन है। आपकी सिचुएशन जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। उस प्रॉब्लम को हंसते गाते अगर आप निकाल दोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, ना टेंशन पता चलेगी, ना प्रॉब्लम पता चलेगी, ना कुछ भी ऐसी कोई सिचुएशन। मतलब अगर आप अपनी तरफ से हमेशा, प्लस पॉइंट मैं ये मानता हूँ हर इंसान के अंदर होना चाहिए कि हमेशा वो अपनी, अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रखे, तो हर मुसीबत का डट के सामना कर सकता है। बड़ी चीज़, ये जो व्लॉग अधूरा रह गया इसको अब रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था, किसी का कॉल आया था। और आज की मैं बताऊं आपको, आज मेरी डाइटिंग हो चुकी है ख़राब। आज अपने फ्रेंड के साथ मैं गया था जनकपुरी, तो मैंने, वही बात है, देखो जितना मर्जी जिम कर लो, जितनी मर्जी डाइटिंग कर लो, लेकिन थोड़ी बहुत तो आदमी की ज़ुबान तो फिसल ही जाती है, क्या करें इंसान है। तो आपको मैं यही कहना चाह रहा था भैया, डट के हर वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, हर मुसीबत का सामना करो, हंसी खुशी ज़िंदगी बिताओ, और हमेशा हर टेंशन को निकाल दो दिमाग से। अगर आप अपनी टेंशन अपने सोचते रहोगे कि हाँ भी टेंशन है, तो वो ज़िंदगी में कभी जाने वाली है नहीं। तो आप अपनी टेंशन हंसी खुशी बिताओ, ना आपको टेंशन दिखाई देगी ना प्रॉब्लम, और आप अगर खुश रहोगे तो प्रॉब्लम और टेंशन सब दूर भागेगी आपकी ज़िंदगी से। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जैसे अभी मैंने कहा आज का दिन मेरा डाइटिंग जो थी ख़राब हो गई है, तो मैंने वीडियो में ये भी कहा था अपनी कि एक दिन तो आप खा सकते हो, तो वो एक दिन मेरा आज हो गया पूरा। तो इसी के साथ अपनी डाइटिंग को मेंटेन करके रखूँगा, तो वो एक दिन मेरा हो गया पूरा आज। और जैसे जैसे देखो मैं व्लॉग करता रहूँगा और थोड़ा सुधारूंगा अपने व्लॉग्स को, जो भी गलतियाँ होंगी, मुझे पता है कि मैं बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ, और आप मुझे, आपसे ही मुझे पता चलेगा कि यहाँ भी मुझे और कितना सुधार करना है, और मैं सुधार करता रहूँगा, आपको अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। थक गया, क्या है ना, हाथ में फ़ोन पकड़ा रहता है, तो अब ट्राइपॉड होता या फिर स्टिक होती तो कम से कम हाथ सीधा रहता मेरा, अब क्या है फ़ोन भारी, उसको पकड़ के रखो हाथ में तो बंदा वैसे ही थक जाता है। और मैंने कहा था आपसे कि मैं ट्राइपॉड लूँगा, तो वो जल्दी, कोशिश है कि जल्दी ले लूँ मैं,
और उससे और अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स दिखाऊंगा आपको, और जितना जल्दी हो सकता है मैं गोप्रो भी ले लूंगा, लेकिन थोड़ा गोप्रो में टाइम लगेगा अभी, तो जितना हो सकता है फोन से मैं आपको जितना अच्छा हो सकता है उतना दिखाऊंगा। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, नमस्कार और टेक केयर। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।